हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कांताराम्स किचन। आज मैं बनाऊंगी ब्रेड पिज्जा। मैं ये ब्रेड पिज्जा तवे पे बनाऊंगी और बहुत ही इजी तरीके से बनाऊंगी। ये ब्रेड पिज्जा की रेसिपी बहुत ही इजी है, 1 मिनट में तैयार हो जाती है। तो देखते हैं कि मैंने ब्रेड पिज्जा कैसे बनाया है। तो ब्रेड पिज्जा बनाने के लिए सबसे पहले हम उसके लिए स्टफिंग बनाएंगे, जिसके लिए मैंने लिया यहाँ पे टमाटर। टमाटरों को एक बाउल में डालेंगे, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और थोड़े से स्वीट कॉर्न लिए मैंने। इन तीनों को मिक्स करूंगी। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा ऑरिगेनो, थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा काली मिर्च। किसी भी काली मिर्च यूज करी है मैंने यहाँ पे। इन तीनों चीजों को अच्छे से मिला देंगे सब्जियों के साथ। मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा चीज और इसे भी मिला दूंगी। 1 चम्मच के करीब मैंने चीज इसमें भी डाला है। सब चीज अच्छे से मिक्स हो गई है, स्टफिंग हमारी तैयार है। मैं ब्रेड पिज्जा के लिए चाहिए वो है ब्रेड। मैंने यहाँ पे व्हाइट ब्रेड यूज करे हैं, आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड भी यूज कर सकते हैं। थोड़ी सी चीज मैंने यहाँ पे 80 ग्राम चीज ली है, स्टफिंग जो मैंने सब्जियों से तैयार की थी और टोमेटो केचप। पिज्जा को हम असेंबल करेंगे, तो मैंने सबसे पहले अपने ब्रेड ले लिए है। अब मैं इस पे लगा दूंगी थोड़ा सा टोमेटो केचप। आपके पास अगर पिज्जा सॉस है तो आप वो लगाएं, वो भी अच्छी लगती है, लेकिन टोमेटो केचप से भी ये बहुत टेस्टी लगते हैं। सॉस मैंने लगा दिया, अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी वो स्टफिंग जो मैंने सब्जियों से बनाई थी। मैंने दोनों ब्रेड पे स्टफिंग लगा दी है। अब मैं इस पे लगाऊंगी ऊपर से चीज। चीज को मैंने कद्दूकस किया है। तो देखिए मैंने इन पे चीज लगा दिया अच्छे से दोनों पे। मैंने यहाँ पे जो चीज यूज किया है वो है मोजरेला चीज। अब मैं इन पे थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल दूंगी ऊपर से, बिल्कुल थोड़े से। थोड़ा सा डालूंगी ऑरिगेनो। अगर आपके पास में मिक्स हर्ब या पिज्जा सीजनिंग है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। बेक होने के लिए तैयार है, लेकिन मैं इनको तवे पे पकाऊंगी, तो इन्हें पकाएंगे अब हम। तो मैंने गैस पे तवा रख दिया और इसे थोड़ा सा घी से ग्रीस कर दिया है, मतलब थोड़ा सा घी लगा दिया है। अगर आप चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं। तवा थोड़ा सा गर्म हो गया है, ज्यादा हमको तवा नहीं गर्म करना है। अब मैं रख दूंगी इस पे जो ब्रेड पिज्जा मैंने तैयार करे थे एकदम मस्त। ये दूसरा, गैस का फ्लेम कर दे एकदम लो और इन्हें ढककर 2 मिनट पका लूंगी। ज्यादा देर हमें नहीं पकाना है, इनको सिर्फ 2 मिनट पकाएं। जैसे ही हमारा चीज मेल्ट हो जाएगा इसका मतलब है ये पक गए हैं। आप याद रखें कि आपको गैस का फ्लेम एकदम लो रखना है इसके लिए। तो अब मैंने पकने देती हूँ 2 मिनट के लिए। तो देखिए 2 मिनट हो चुकी है, पिज्जा हमारे तैयार है। आप देख सकते हैं चीज हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है, तो मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी। तो देखिए ये ब्रेड पिज्जा तैयार है, मैंने इनको तवे पे से उतार लिया है। बहुत ही आसान है इन्हें बनाना, बहुत ही इजीली बन जाते हैं, 2 मिनट में बन के तैयार हो जाते हैं। और देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं खाने में। तो आप भी ये ब्रेड पिज्जा की रेसिपी एक बार जरूर ट्राई करें, और अगर आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।